Good evening, students. Myself Krishna sir, and इधर पे मैं आपको physics पढ़ाएगा class 10th का. तो देखो, अभी हम लोग physics में electricity पढ़ रहे थे, जहाँ तक मेरे को याद है. और electricity में हम लोग resistance तक पढ़ लिए थे. और अभी आपको ये सब चीज़ पढ़ा हुआ बहुत सारा time हो गया, probably 1 month तो हो ही चुका है. तो मेरे हिसाब से आप लोग ये सारा चीज़ को भूल गया होगा, ठीक है. तो अभी इसका पूरा रिवीजन करने के लिए मैं ये सोच रहा हूँ कि कुछ नया स्टार्ट करने से पहले आपको एक क्विकली रिवीजन करा दूँ, जिससे कि आपको आगे कुछ भी दिक्कत ना होगा. तो देखो, क्विक रिवीजन में सबसे पहले हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है. तो इलेक्ट्रिसिटी में हमारे दिमाग में सबसे पहला चीज़ आता है कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब आखिर इलेक्ट्रिसिटी है क्या. क्योंकि अगर इसको हम लोग पढ़ रहा है तो इसका मतलब इसका तो कुछ यूज़ है ना. तो इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि इट इज़ अ साइंस, ठीक है. इट इज़ अ साइंस और ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड देयर इफेक्ट, ठीक है. तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इट इज द साइंस विच डील्स विद द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, ठीक है. मतलब कि इलेक्ट्रिक चार्जेस, यहाँ देखो एक ये जो वर्ड आ रहा है ना चार्जेस, भाई ये चार्जेस होते क्या है, आखिर ये चार्जेस क्या है. ये वही चार्जेस है जो अपन ने बचपन से पढ़ते आए हैं केमिस्ट्री की दुनिया में, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, हम लोग तो बचपन से यही पढ़ते हैं. लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के अंदर में सिर्फ और सिर्फ हम अगर बोले जाए, अगर बोलचाल की भाषा को यूज़ की जाए, तो यू ऑलवेज लिसन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. क्या ये सिर्फ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ही है? नो, इट इज़ नॉट ओनली द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. इट इज़, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा कब, किसी ना किसी का तो कुछ ना कुछ इफेक्ट तो होगा हमारा, क्योंकि अगर हम इफेक्ट नहीं कराएंगे तो वो करेगा ही क्यों. तो आखिर वो इसलिए फ्लो कर रहा है क्योंकि वहाँ पे कुछ ना कुछ नेगेटिव है. तो नेगेटिव को कुछ ना कुछ बर्बाद या अट्रैक्ट करने के लिए कौन चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, ठीक है. पॉजिटिव ही चाहिए, क्योंकि देखो अगर हम बात करेंगे हमारा सन ऊपर आसमान में क्या होता है, थंडरिंग होता है, थंडरिंग होता है तो उधर से जब लाइटनिंग होता है तो आप देखना वो डायरेक्टली किसकी ओर जा रहा है, वो हमारा अर्थ की ओर जा रहा है. अर्थ की ओर जा रहा है मतलब वो बहुत सारा अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज है, वो कहाँ जा रहा है, बहुत हमारा अर्थ के पास जा रहा है. अर्थ में क्या है, सागर है एक तरीके से बोल दो पॉजिटिव चार्ज का. जितना डाल दो कोई दिक्कत नहीं है भैया, कितना भी एनर्जी डाल दो, कितना भी नेगेटिव चार्ज डाल दो, वो सबको बैलेंस कर लेगा. तो इसका मतलब वहाँ पे जा रहा है, तो आखिर वो पॉजिटिव की ओर ही तो जा रहा है. तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज हम बोल रहे हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं, मतलब यहाँ पे क्या है कि कहीं ना कहीं फ्लो ऑफ प्रोटॉन भी तो है, मतलब पॉजिटिव चार्ज का भी तो फ्लो हो रहा है. अगर ये निगेटिव है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज का फ्लो हो रहा है, ठीक है. अब भाई तो इसी को समझने के लिए हम एक थ्योरी बताना चाहते हैं. जैसे देखो एक वैलेंस एटम का हम तुमको थ्योरी बताएगा. वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस एटम में क्या होता है, वैलेंसी के केस में आप लोग क्या देखते हैं, कोई भी एटम होता है, ठीक है. अगर ये क्या है, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज भरा पड़ा है, इसके बाहर क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हुआ, अभी अगर हम बोलो तो ये वाला जो हमारा कोई भी एटम है, कुछ भी है होगा, तो ये तो कुछ नहीं करने वाला है. क्यों, क्योंकि नहीं कुछ करेगा, क्योंकि इसके आसपास का सब कुछ बैलेंस्ड है, इसको कोई दिक्कत ही नहीं है किसी से, तो ये क्यों करने जाएगा भैया, तो ये कुछ भी नहीं करेगा. अभी अगर हम क्या करेंगे, इसके इधर का ये वाला इलेक्ट्रॉन को हम बाहर कर देंगे, जैसे हम इसको हटा देंगे तो ये क्या हो गया, अनबैलेंस्ड स्टेट हो गया. अनबैलेंस्ड स्टेट हो गया तो ये क्या करेगा, अभी ये तो अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करेगा ना. तो इसके लिए इसको क्या चाहिए, इसको एक दो इलेक्ट्रॉन चाहिए.
कि किसी ना किसी से, किसी अगल बगल कहीं ना कोई एटम होगा, उससे मांगने की कोशिश करेगा। अभी ये तभी मांग पाएगा जब सामने वाले के पास एक ही एटम एक्स्ट्रा हो। अगर उसके पास दो होगा तो इसके यूज का है नहीं है, तो इसके पास तभी मांग पाएगा जब इसके पास एक हो, तो ये इसको ले लेगा, ले लेगा या ना ले लेगा। तो इसीलिए इसका मतलब क्या, ये बाहर वाले एटम में डिस्टरबेंस कुछ पैदा कर रहा है, कुछ तो ठीक है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा है। तो आखिर ये क्यों फ्लो कर रहा है, इसको बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो वहां पे भी हमारा क्या हो रहा है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो यही एक रीजन है कि हमारा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ठीक है, ठीक है, समझ में आया। अभी इसके बाद अब हम तुमको चार्ज के बारे में अच्छे से बताएंगे, ठीक है। तो चार्ज में हमने, जहां तक हमें याद है कि हमने कुछ पॉइंट्स लिखाए थे, ठीक है, कि आखिर चार्ज होता क्या है, ठीक है, चार्ज आखिर होता क्या है। तो देखो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है ना, वो दो तरीके का होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज पॉजिटिव एंड वन इज निगेटिव। देखो अभी हम लोग यहाँ पे न्यूट्रल की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ केमिस्ट्री के साथ डील नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और जब अभी आप डोमेस्टिक सर्किट पे आओगे तो वहाँ पे ना न्यूट्रल वगैरह डील करते हैं, बट वहाँ पे वो मीनिंग नहीं है न्यूट्रल का जो इधर पे मीनिंग है, ठीक है, कि मतलब जहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि देखना आप, जब आप न्यूट्रल वायर की बात करते हो ना, तो न्यूट्रल वायर का फेस कहाँ पे डालते हो, जाके सॉयल के अंदर डालते हो। अब हर घर का एक अर्थिंग देखना, सॉयल के अंदर जाके हम लोग उसको डाल देते हैं, वो वायर को लेके जाते हैं, ग्रीन वायर होता है, मोस्टली ग्रीन वायर ही होता है, उसको हम लोग वहाँ पे सॉयल के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे चार्ज है मतलब दो होगा, एक तो पॉजिटिव होगा और एक हमारा निगेटिव होगा, दो ही तरीके का चार्ज होगा, ठीक है। अभी हम लोग पॉजिटिव को क्या बोलेंगे, पॉजिटिव को बोलेंगे प्रोटोन, और निगेटिव को क्या, सॉरी यार, सॉरी 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 सॉरी, पॉजिटिव ऊपर लिखना था, नीचे लिख दिया प्रोटॉन, ठीक है। और नेगेटिव वाले को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, ठीक है। अभी देखो, अभी पॉजिटिव और नेगेटिव, यार हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा चार्ज पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है। इसका मतलब है कि उस दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो लोचा होगा ना। अभी हम अगर बोलते हैं कि अगर मेरे पास भी 100 रुपये, तेरे पास, तुम्हारे पास भी 100 रुपये, तो तुम्हें हमारे से कोई बेनिफिट नहीं है। बट अगर अभी कल को मेरे पास 1,000 होंगे, तुम्हारे पास 100 होंगे, तो तुम मेरे पास आना चाहोगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा है। तो यही चीज़ यहाँ पे भी होता है। अभी पॉजिटिव पॉजिटिव वाले के पास क्यों जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव वाले के पास ही क्यों जाएगा, वो किसके पास जाना चाहेगा, अपने अपोजिट कैरेक्टर्स वाले के पास, ठीक है। तो चार्ज में मतलब दूसरी चीज़ क्या हो गई, एक तो चार्ज क्या हो गया पॉजिटिव और निगेटिव, दूसरी चीज़ क्या होती है, ये जो निगेटिव और पॉजिटिव होता है ये क्या होता है, मतलब क्या हो गया, लाइक रिपेल और अनलाइक अट्रैक्ट, ऐसा ही कुछ होगा, ठीक है। लाइक क्या करेगा, अपने रिपेल करेगा, और अनलाइक क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, तभी तो हमें पता चलेगा। तो अभी अगर हम ये बोल दें कि तुम्हारे पास कोई चीज, कोई सब्सटेंस या कोई वायर है, उसमें से पॉजिटिव पॉजिटिव जा रहा है, अभी हम तुमको एक और दे दिया, ठीक है, अगर वो दोनों चार्जेस में तुम जब देखोगे, एक्सपेरिमेंट्स करोगे, तो वहां पे तुम देखना उस दोनों के बीच में अट्रैक्शन नहीं हो रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो जब अट्रैक्शन से नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है, वो दोनों सेम वाला है ना। हमें पता चल गया ना कि अगर हम बोले एक हम बल्ब कनेक्ट करते हैं, चलो ठीक है, एक बल्ब कनेक्ट कर रहा हमने, तो एक रेड वायर एक ब्लैक वायर। अभी हम तुमको ब्लैक वाले को जो पॉजिटिव टर्मिनल है, और तुम्हारे पास भी एक ब्लैक पॉजिटिव है, मैं तुम दोनों उस दोनों को कनेक्ट कर लूंगा, क्या इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, क्या चार्ज फ्लो कर रहा है, क्या बल्ब जला हमारा, नहीं जला, ये बल्ब कब जलेगा, जब हम अपना एक निगेटिव को लेके जाएगा, तुमको एक रेड वाला तुमको देंगे और एक ब्लू मतलब ब्लैक वाला तुम्हारा रहेगा, तब जाके हमारा ये फ्लो कराएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा लाइक वाला क्या करने लगा, रिपेल, और अनलाइक वाला अट्रैक्ट। उसके बाद हम बात करेंगे, तो अभी देखो ये रिपेल और अट्रैक्ट, अभी हम ये दोनों वर्ड से हमें एक चीज तो समझ में आ रहा है कि इस दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो फोर्स हो रहा है, कुछ ना कुछ फोर्स का कारण है जिसकी वजह से ये रिपेल या अट्रैक्ट कर रहा है। इधर ये रिपल्सिव, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, रिपल्सिव फोर्स या अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है। रिपल्सिव फोर्स कब बोलेगा,
जब ये दोनों एक दूसरे को रिपल मतलब दूर भेजेगा, और अट्रैक्टिव मतलब नजदीक आएगा। तो इस पे हमारा एक इक्वेशन है, ठीक है, कुलम्स लॉ का एक इक्वेशन है, कुलम बाबा ने दिया था ये इक्वेशन, वो होता है एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। जैसा कि हम लोग देखे थे ना, मैं वो फोर्स ग्रेविटेशनल वाले चैप्टर में एम वन एम टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, तो यहाँ पे भी वही चीज है भाई। यहाँ देख, ये कोई एटम है, अभी इधर पे हमारा कोई एक एटम है, अभी यहाँ पे क्यू वन और इधर पे क्यू टू, इसके बीच का डिस्टेंस को आर आर बोल रही है। तो इसी के बीच में जो फोर्स लग रहा है ना, ये फोर्स आइधर तो दोनों अट्रैक्ट करेंगे और आइधर तो ये दोनों रिपल्स करेंगे, ठीक है, तो यही दोनों होगा। तो ये वाला जो फोर्स है यही फोर्स है, और इसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो स्टैटिक फोर्स, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इसमें हमारा क्या है, के हमारा क्या है, के कांस्टेंट है, क्यू वन एक का चार्ज, क्यू टू दूसरे का चार्ज, और आर क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट। अभी देखो अभी हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, अभी आगे का हम फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।